Good morning, children. I am Sister Elta, Catholic Mission High School, Jhabua. Class 7, English. Lesson number 9, The White Visitors. White visitors means gora, bhed karne wala visitors. Okay? Kiwa agantuk visitors, the white visitor gora agantuk. Before we learn the lesson, we will ask two general questions. Okay, children, pay attention. I am asking two questions. Now you must be thinking, the white visitors. Okay, question will ask, what do you know about ghost? Ghost means bhoot. What do you know about ghost? I know nothing about ghost, but I have heard only some stories about ghost. मैंने भूत के बारे में सुना है. समझ में आया? I know nothing about ghost, but I heard only some stories about the ghost. मैंने कहानी में सुना है भूत के बारे में. समझ में आया? सेकेंड क्वेश्चन, डू यू बिलीव इन देम? नो, आई डू नॉट बिलीव इन देम. मैं कभी विश्वास नहीं करता हूँ. मैं कभी विश्वास नहीं करती हूँ. डू यू बिलीव इन देम? नो आई डू नॉट बिलीव इन देम. ओके, मैं कभी विश्वास नहीं करती हूँ. ओके, राइट द नेम ऑफ मूवीज. टीवी, कभी कभी आपने टीवी में देखते देखते सुना होगा. ओके, व्हेन वी वॉच द टीवी सीरियल, वी हर्ड अबाउट द गोस्ट स्टोरीज. हम कभी टीवी में देखा है, और जो हमारे जो दादा दादी है, उसने हमारे हमको बताया कि भूत के बारे में. और अभी कभी कभी हमने बुक में भी पढ़ा है. ओके बच्चे, नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक्स एंड लेसन नंबर 9, द व्हाइट विजिटर्स. गोरा आगंतुक विजिटर्स. ओके, व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू विल हियर अबाउट गोस्ट? यू विल गेट फ्राइटन्ड. का मतलब डरना, और अपरेट का मतलब भयभीत. नाउ चिल्ड्रन, पॉइंट आउट योर फिंगर. विल फर्स्ट विल पैराग्राफ विल रीड, देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन हाउ द पैराग्राफ इज वेरी नाइस और वेरी इंटरेस्टिंग लेसन है. एन ऑफिस इन कालीगढ़ इन कोलकाता ऑन द वॉल्स ऑफ द ऑफिस देर आर सेवरल नोटिस अबाउट हाउसेस एंड शॉप फॉर सेल. द टाइम इज अबाउट 10 इन द मॉर्निंग.
Mr. Chaudhary is writing at table. Dr. Das walks in. Several का मतलब अनेक. Several मतलब अनेक. An office in Kaligarh, in Kolkata, on the walls of the office, there are several notice about houses and shop for sale. The time is about 10 in the morning. Mr. Chaudhary is writing at table. Dr. Das walks in. क्या समझ में आया कि कोलकाता के कालीगढ़ में एक दफ्तर की दीवार पर के मकान में दुकान की बिक्री हेतु बहुत से नोटिस लगी थी. समय सुबह का लगभग 10 बजे श्री चौधरी मेज पर लिख रहे थे. डॉक्टर दास के अंदर आते है. देखो इसका अर्थ है कि यह है कि कोलकाता के कालीगढ़ में एक दफ्तर के दीवार में एक ऐसे लिखा एक नोटिस लिखा हुआ लिखी थी और उसमें लिखा था उसके दीवार पे मकान के दीवार पे बिक्री हेतु नोटिस लिखी थी कि काय की नोटिस लिखी थी कि घर बेचने वाले है. यह नोटिस लिखी थी और मिस्टर चौधरी डॉक्टर के मेज का मतलब टेबल पे बैठे थे और कुछ लिख रहे थे. ओके दास, गुड मॉर्निंग, आर यू मिस्टर चौधरी? किसने पूछा? दास ने पूछा. दास ने क्या बोला? शुभ प्रभात, क्या आप मिस्टर दास हैं? चौधरी, प्लीज सिट डाउन. देयर बोथ सेट डाउन. ओके, वो बैठ गए. चौधरी, कृपया बैठ जाइए. दास, आई एम डॉक्टर दास. आई हैव कम टू लिव एंड वर्क इन कालीगढ़ एंड आई नीड अ हाउस. उसने क्या बोला? दास ने क्या बोला कि मैं डॉक्टर हूँ, कालीगढ़ से रहने वाला हूँ और मुझे एक मकान चाहिए. मुझे मकान की आवश्यकता है. कालीगढ़ रहने वाले मिस्टर दास को क्या चाहिए? एक घर की आवश्यकता, रहने के लिए घर की आवश्यकता थी. चौधरी, आई सी यू आर रेडी टू बाय अ हाउस. आई सपोज मीन्स मान लेना. सपोज मीन्स मान लेना. चौधरी, आई सी यू आर रेडी टू बाय अ हाउस. आई सपोज, इसका मतलब है चौधरी, मैं समझ, मुझे लगता है कि आपको एक मकान खरीदने के लिए तैयार है. आप मकान खरीदने के लिए तैयार है चौधरी. इट इज नॉट वेरी इजी एट प्रेजेंट डॉक्टर दास. अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू लिव हियर एंड देयर आर मेनी हाउसेस. द प्राइस आर गोइंग अप एवरी वीक. क्या बोला चौधरी? चौधरी ने क्या बोला कि डॉक्टर दास, आज के समय में इतना आसमान नहीं है कि बहुत लोग यहाँ रहने के लिए आ रही है. यह अधिक मकान नहीं है. भाव की प्रति साल बढ़ रही है कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग आ रहे हैं लेकिन इनके घर की आज प्राइस बहुत
can you give me some idea? Well, can you give me some idea? अर्थ है कि अच्छा क्या आप मुझे कोई विचार दे सकते हैं? Well, can you give me some idea? कि इसका मतलब है अच्छा क्या मुझे कोई विचार दे सकते हैं? चौधरी, there is a nice house. The owner wants 10 lakhs. There is a nice house and owner wants 10 lakhs. कि वो क्या है चौधरी, वो एक अच्छा मकान है और मालिक को 10 लाख चाहिए. समझ में आया? 10. Oh, that is too much for me. Is not there a house for less than that? कि ये अरे यह तो मेरे लिए बहुत ज्यादा है. Okay? अरे यह तो मेरे लिए बहुत ज्यादा है. Oh, that too much for me. Is not the a house for less than that? ये मकान मेरे लिए बहुत ज्यादा है. चौधरी, हाउ मच आर यू रेडी टू पे? हाउ मच आर यू रेडी टू पे? आप कितना देना चाहते हैं? आप कितना देने के लिए तैयार है? दास, वेल आई थॉट अबाउट 5 lakhs और a little more. दास ने क्या बोला कि मैं 5 लाख कम से कम अधिक दे सकता हूं, 5 लाख दे सकता हूं. चौधरी, yes want to find a house at that price here. कि चौधरी इस कीमत में आप यह कोई मकान नहीं पा सकते हैं. कि इस मुझे तो 5 लाख से कम 5 लाख से ही मकान चाहिए, मेरे पास इतने ही पैसे हैं. What is that? Bracket, he points to one of the notice. इसने एक बोर्ड पे देखा और ये बोर्ड पे वह नोटिस था. क्या नोटिस था? कि पहले मैंने बोला कि वो एक कालीगढ़ के गांव में, एक बोर्ड पे विलेज गांव में रास्ते में एक नोटिस लगी थी कि एक घर बेचने वाले हैं, उसका प्राइस इतना इतना है, 10 लाख. 10 लाख से प्राइस चौधरी के पास नहीं था और वो बोला कि मेरे को अभी 5 लाख से मिलेगा तो मैं ले लूंगा. ओके चौधरी, दैट इज अ शांति भवन बट यू डू नॉट वॉन्ट दैट ऑफकोर्स. क्या चौधरी वह शांति भवन है किंतु आप अवश्य की उसे लेना चाहते हो? कि वह चौधरी उस घर का नाम है शांति भवन और आप उस घर को लेना चाहते हो. ओके दास, व्हाई, व्हाट इज द मैटर दैट, व्हाट इज विथ इट, व्हाई, व्हाट इज द मैटर विथ इट, वेयर इज इट. इसका अर्थ है दास, क्यों, क्या मामला है यह है? Why? Why का मतलब क्यों. और what is the matter with it? क्या मामला है यह है? Okay? चौधरी, in the middle of the town. इसका मतलब है इसका अर्थ है कि इन द मिडिल ऑफ द टाउन का मतलब शहर के
बीच में है, चेयर के बीच में है। थस वेल दैट विल सूट मी वेरी वेल, हाउ मच इज इट, कि ठीक है यह मुझे बहुत अच्छा है या कितना है अच्छा है। देर इज लेस प्राइसिंग, कि 3 लाख ऐसा प्राइस है। पूछा व्हाई दस इज दैट ऑल दैट इज नॉट मच इज इट, व्हाई सच अ लेस प्राइस, कि 10 क्यों ऐसा नहीं कि यह ज्यादा नहीं है, क्यों इतना कम भवन है, कि ये मैं सोच रहा था कि 5 लाख से मिलेगा लेकिन 3 लाख प्राइस, इतना कम प्राइस क्यों है। दास वाई, क्यों चौधरी, वेल आर बी ट्रूथ इज हर, सच्चाई है। गो ऑन गो, डू नॉट यू वॉन्ट टू सेल इट, इज इट अ हैड स्टैंड, इसका अर्थ है कि बताइए बताइए क्या आप ऐसे बेचना नहीं चाहते, क्यों इसकी हालत खराब है। चौधरी चौधरी ओ ओ नो इज इट गुड ऑर्डर, बट देर आर सम स्ट्रेंजर, स्टोरी अबाउट शांति भवन, द ओनर वॉज अ वुमन, मिस घोस्ट, शी डाइड इन द हाउस 2 years ago, and she was not happy woman, but she loved Shanti Bhavan, and people say that she comes back in the night to visit her old house. Chaudhary, अरे नहीं, यह तो अच्छा अवस्था में है, परंतु शांति भवन के बारे में कुछ विचित्र कहानी। इसकी मालिक एक महिला थी, मिस घोष, 2 वर्ष पूर्व घर में उनकी मूल्य हो गई, एक ऐसी सुखी महिला थी, परंतु वह शांति भवन को प्यार करती थी और लोग कहने लगे कि रात में अपने पुराने मकान में भ्रमण घूमने करने आती थी। देखो वो शांति भवन में एक महिला रहती थी, वो महिला अपने मकान को बहुत प्यार करती थी, जब वो गुजर गई और उसकी लोग बोले कि रात को 12 बजे इसकी आत्मा आती है, वो आत्मा काय के लिए आती, वो अपना घर देख के ओ चले जाती है। समझ में आया, ओ नो इट इज इन गुड ऑर्डर, बट देर आर सम स्ट्रेंजर, स्टोरीज अबाउट शांति भवन, द ओनर वॉज अ वुमन, मिस घोष, शी डाइड इन द हाउस 2 years एगो, शी वॉज नॉट हैप्पी वुमन, बट she loved Shanti Bhavan and people say that she comes back in the night to visit her old house. Okay, thus what is 2 years after her death, ki das ne kya bola, kya marne ke baad 2 years ke baad, मरने के बाद 2 वर्ष के बाद, के वेल आई डू नॉट बिलीव दैट काइंड ऑफ थिंग्स, कैन यू टेक मी टू द हाउस नाउ प्लीज, इसका मतलब है ठीक है मैं इस तरह के
की बात में विश्वास नहीं करता हूँ। अब क्या आप कृपा मुझे उस मकान में ले जाए कि मिस्टर दास सिंह कि मैं उसको जो मरने की आत्मा उसमें आती है लोग बोल रहे, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता हूँ। वो मुझे घर खरीद करने का ही है। चौधरी, I do not so if you wish, but you must not buy that house. क्या? Again क्या बोला कि चौधरी ऐसा कर सकता है कि यदि आप चाहते हैं परंतु आपके यह मकान नहीं खरीदना चाहिए। दास, please show it to me. दास, कृपा मुझे यह दिखाए। दास, मुझे कृपा यह। चौधरी, suddenly as you wish, they go to out together. देखो, ऐसी आपकी इच्छा है तो ये कहाँ गए दोनों जन? बाहर जाते हैं। The same office and hour later, Das and Chaudhary work in the salon. Okay. Das, I will buy Shanti Bhavan, who is the owner. Das ने क्या बोला कि I will buy Shanti Bhavan, who is the owner. Das ने क्या बोला कि मैं Shanti Bhavan करूंगा, वो कौन है उसका मालिक? चौधरी, मिस्टर बोस ही लिव्स इन चेन्नई इज द डेड वुमेन्स ब्रदर, ही वांटेड टू सेल इट बट ऑफ कोर्स ऑन वन वांट इन लिव देयर विद ऑल दिस स्टोरीज अबाउट द व्हाइट विजिटर। व्हाइट विजिटर का मतलब गोरा आगंतुक, गोरा आगंतुक। ओके, इसका अर्थ है कि चौधरी श्रम मानो घोषण करो कि चेन्नई में रहने वाले वह मृत्यु महिला के भाई है, वह इसकी बेचना चाहते हो, लेकिन सफेद दोष के अनुरूपता विषय में इनका सभी कहानी कारण का निसंदेश कोई भी रहना चाहते कि ये घर में क्या है, कोई नहीं लेना चाहती है कि ये घर में क्या है। कई सालों से एक महिला मरी थी और मिस्टर दास चौधरी से आह्वान करता है कि ये मुझे घर लेना है। Thus, will Mr. Ghosh let me sleep in Shanti Bhavan for a night before I buy it? Will Mr. Ghosh let me sleep in Shanti Bhavan for night before I buy it? Thus, क्या Mr. Ghosh मुझे Shanti Bhavan मकान में खरीदने से पहले एक रात के लिए सोने देगा? क्या मिस्टर दास, क्या बोला मिस्टर दास, क्या मुझे ये एक दिन एक रात मुझे ये शांति भवन सोने के लिए मौका मिलेगा? चौधरी, आई एम नॉट श्योर बट इफ यू Not the house for you. I am not sure, but it is not the house for you. इसका अर्थ है कि चौधरी मुझे सुनिश्चित नहीं है परंतु यह मकान आपके लिए नहीं है। दास ने क्या चौधरी मुझे, दास ने पूछा कि मुझे चौधरी ये सुनिश्चित नहीं है कि ये मकान मेरे लिए नहीं है, ये
मकान आपके लिए नहीं है। दास प्लीज राइट आस हिम इफ रेडी टू लेट मी टू द आई विल स्पेंड द नाइट इन द हाउस नेक्स्ट ट्यूजडे ट्यूजडे। दास बोला कि प्लीज राइट एंड आस हिम इफ इज रेडी टू लेट मी डू दैट आई विल स्पेंड द नाइट इन द हाउस नेक्स्ट ट्यूजडे। क्या है दास कृपया उन्हें लिखे और पूछे यदि इसके लिए तैयार है तो अगले मंगलवार की रात में मैं उस मकान में बिताऊंगा। चौधरी वेयर विल यू स्लीप एंड व्हाट अबाउट लाइट देर इज नॉट एनी ओवर देयर। क्या कि आप नहीं सोएंगे वहां बिजली के बारे में क्या व्यवस्था नहीं है, आप कैसे सोएंगे कि उधर बिजली की अवस्था भी नहीं है और आप कैसे सोएंगे उधर। ओके लुक आई एम एन ओल्ड सोल्जर आई हैव स्मॉल कॉर्न एंड अ स्मॉल लैम्प टू आई विल टेक देम विथ मी। दास देखिए मैं एक पुराना सिपाही हूं, मेरे पास एक छोटी खाट है और एक छोटा लैम्प भी है, उन्हें अपने साथ लूंगा। चौधरी एज यू विश जैसे आप चाहिए जैसे आप चाहिए। देखो हमने ये फर्स्ट पार्ट में पढ़ा और फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा और जो सेकेंड पार्ट है हम सेकेंड पार्ट कल नेक्स्ट टाइम में ये करेंगे। बच्चों ध्यान देना अच्छे से पढ़ना ये पार्ट। ओके ये फर्स्ट लेसन कंटिन्यू है, फर्स्ट पार्ट इज ओवर, सेकेंड पार्ट आई विल नेक्स्ट टाइम आई विल एक्सप्लेन और आई विल टीच यू। देयरफॉर वी विल रिवीजन विल डू लेसन नंबर 9 द व्हाइट विजिटर्स। व्हाट डू यू नो अबाउट गोस्ट आई आस्क फ्रॉम बिगिनिंग व्हाट डू यू नो अबाउट गोस्ट। आई नो नथिंग अबाउट गोस्ट बट आई हैव हर्ड ओनली सम स्टोरीज अबाउट गोस्ट। डू यू बिलीव इन देम नो I do not believe in them. Okay? Or afraid means भयभीत, believe means विश्वास, brave means साहसी, certainly अवश्य, confident आत्मविश्वास, cost में खर्च, several अनेक, suppose मान लेना, visitors भेंट करने वाला, visitors वेट करने वाला। थैंक यू चिल्ड्रन, टुमारो विल लर्न और नेक्स्ट विल लर्न सेकेंड पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज ओवर दैट इज द मिस्टर दास एंड चौधरीज एंड शांति भवन स्टोरी। नाउ सेकेंड विल लर्न द नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट विल लर्न नेक्स्ट। Thank you. God bless you, children.